प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के मुंबई स्थित घर पर छापा मारा है। आपको बता दें कि राणा कपूर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच चल रही है। ये छापे इसी सिलसिले में मारे गए हैं। ईडी के छापे राणा कपूर के समुद्र महल आवास पर मारे गए हैं। छापे की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। ईडी के इन छापों का मकसद कुछ और सबूत जुटाना है। ईडी की टीम ने राणा कपूर से उनके घर पर पूछताछ भी की। ईडी एक कॉरपोरेट कंपनी को लोन देने में राणा कपूर के रोल की जांच कर रही है। राणा कपूर पर आरोप है कि लोन के बदले में कपूर की पत्नी के खातों में कथित तौर पर रिश्वत की रकम भेजी गई थी। ईडी बैंक में अन्य कथित अनियमितताओं की भी जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि राणा कपूर के खिलाफ केस DHFL की जाँच से भी जुड़ा है, क्योंकि यस बैंक ने DHFL को कथित तौर पर NPA बताया था। बैंक की हालत देखते हुए रिजर्व बैंक ने गुरुवार को यस बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था। यस बैंक के ग्राहकों को अपने खाते से हर महीने 50,000 से ज्यादा निकालने पर रोक लगा दी थी। एक्चुअली अभी लगाया है तो रियल पोजीशन क्या है, बैंक का क्या कंडीशन हो तो आइडिया नहीं है। और 50,000 भी बोले तो नॉट बैड, पर प्रॉब्लम क्या है, अगर इशू है किसी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है या कुछ इमरजेंसी आ गया, हॉस्पिटलाइजेशन आ गया कि चलो भाई इतना कैश देना है, ऑपरेशन वगैरह एनीथिंग, तो बहुत ट्रबल हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैंक के ग्राहकों को यकीन दिलाते हुए कहा कि उनके पैसे सुरक्षित हैं। डिपॉजिटर्स को मैं आश्वासन दिलाना चाह रही हूँ बिल्कुल कि आपके पैसा सुरक्षित है। और रिजर्व बैंक ने मुझे, मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ, और रिजर्व बैंक गवर्नर ही मुझे आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द इसका अच्छा सा रेसोल्यूशन हो जाएगा, कोई नुकसान किसी डिपॉजिटर को नहीं होगा। यस बैंक 2018 के अगस्त महीने से ही मुश्किल हालत में है। तब रिजर्व बैंक ने बैंक के कामकाज और लोन से जुड़ी खामियों के कारण तत्कालीन प्रमुख राणा कपूर को 31 जनवरी 2019 तक पद से हटने को कहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक की खस्ता हालत पर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में स्वनियुक्त सक्षम डॉक्टरों ने 3 बैंकों का संकट हल करने के बजाय उनकी समस्याएं और बढ़ा दी थी। इसके पहले चिदम्बरम ने यस बैंक के संकट पर कहा कि भाजपा के शासनकाल में यस बैंक का ऋण खाता 5 गुना बढ़ गया। सीतारमण ने जुलाई 2014 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के संकट और IDBI बैंक में समस्या के लिए चिदम्बरम को जिम्मेदार ठहराया। IDBI बैंक में 2006 में लगभग बंद होने जा रहे यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का विलय हुआ था। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपी सरकार मई 2004 में सत्ता में आई थी। चिदम्बरम तब वित्त मंत्री थे। रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग किए जाने के बाद सीतारमण ने कहा कि संकट में फंसे यस बैंक द्वारा कई बड़ी कंपनियों को 2014 से पहले काफी कर्ज दिया गया था। इनमें अनिल अंबानी समूह, SL, DHFL, ILFS, वोडाफोन उन संकटग्रस्त कंपनियों में शामिल हैं जिन्हें यस बैंक ने कर्ज दिया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।